हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। आज मैं मौजूद हूँ छतरपुर जिले के ढरारी गांव में। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पुलिया है जो कि 3-4 साल पहले से टूटी पड़ी है। यहाँ पर लोगों को निकलने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ से पुलिया के नीचे जो नदी है, ये पुलिया टूटने की वजह से लोग इस नदी से होकर गुजरते हैं। यहाँ पर जब लोगों से बात की, लोगों ने बताया इस पानी में से निकलते हैं और गाड़ी फिसल जाती है तो यहाँ पर काफ़ी हादसे हो जाते हैं। और अगर यहाँ के सरपंच से कहते हैं इस पुलिया को बनवाने के लिए तो कोई सुनवाई नहीं होती है। लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही निकलने में। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पुलिया टूटी हुई है। अभी नेची से निकल रहा है या फिर मेन रोड से जाना पड़ा, 4 किलोमीटर को चक्कर पड़ा, लेकर निकल दी। किसी दिन तो वापसी जाने पड़ता है ना, तो 4 किलोमीटर को वापसी चक्कर घूमने पड़ा, है नहीं, कहीं कहीं से 6 किलोमीटर पड़ जाता भैया। तो कोई हादसे हो जाते वहाँ से निकल? हादसे कुछ नहीं हुई है, लेकिन बंद हो जाते, दूसरी रास्ता से निकल जाते हैं, ये परेशानी होती है। अभी तो जैसे ठीक है, बारिश में किस तरीके की दिक्कत? बारिश तो बंद, रास्ता बंद ही हो जाती है, बिल्कुल ही रास्ता बंद हो जाती है। वो बन जाए तो अच्छी बात है। किस तरीके की सुविधा हो जाएंगी? बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएंगी, है ना, हर वाहन निकलेगा, हर आदमी, किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं होगी उससे। तो अभी आप लोग कैसे निकलते? कोई ढाका के निकला, कोई चढ़ बचाते आदमी। पुलिया टूटी तो हम पानी भरने नहीं जा पाते और वाहन कटता है तो वो नहीं निकल पाता। ऐसे बहुत सारे काम है और यहाँ पे ये नाली है तो ये हमें बीच में टोकती है ना बहुत सारा। इससे कितने लोग निकल जाते हैं इधर से वहाँ तक, रोज का कितना निकलना होता? 50-60 लोग निकलते हैं। तो शिकायत की कभी लोगों ने पुलिया के बारे में? ये तो है सरपंच से, लेकिन सरपंच कुछ करते नहीं है। कैसी सुविधा हो जाएगी? सब हो जाएगा, निकले खा कड़वे खा सब सुविधा हो जाएगी बहन जी। वैसे कितने साल हो गए इसको? 4-5-6 साल हो गए ऐसी डरी। अभी काम लगा है कि नहीं लगा? कहाँ लगा है, जेठ माह से बनवाए थे, पाया खड़े कर दे, वैसे डरी तो डरी बनी डरी, बहुत दिन हो गए इसको। तो किस तरह की दिक्कतें आ रही यहाँ पर? अजय नहीं निकल पे की दिक्कत है, जब जब नदी इधर से आ जाती है तो ना कि ना आदमी छिक जाते मार की मार। ये उसका काम चालू गया, बरसात के पहले चालू हो गया था, बरसात के कारण काम रुक गया था। उसके लिए राजसभा से वो हुई थी 5 लाख की, लेकिन उसमें 2 लाख रुपये बजट आया था और उसका मूल्यांकन किया कि जितना काम लगा भेजा, लेकिन अगला बजट अभी तक आया भी नहीं है उसका। और आप जानकारी भी कर लें, मतलब राजसभा के जितने भी काम पास हुए थे करीब करीब 1-1.5 साल से उसका बजट अभी आया नहीं है। अभी आपके द्वारा बताया गया है, मैं उसको दिखवा लेता हूँ कि किसकी है, हमारी भी बात की है कि अन्य भी बात की है, अपने संबंधित सब निर्देशित करके पता कर लेता हूँ और जो भी उचित होगा वहाँ उसका मरम्मत या जो जीर्णोद्धार होगा मैं कार्रवाई। तो कब तक सर? 1 हफ्ते के बाद आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।